हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 नवंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, जब देर रात आप सो रहे थे तब देश की राजधानी दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। देर रात उत्तर भारत की धरती कांपी, डर के मारे लोग बाग सहम कर घरों से बाहर निकल गए। तीव्रता भी काफी ज्यादा थी, 6.4। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था और धरती तकरीबन 20 सेकंड तक कांपती रही। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। देर रात लोग बाग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। नेपाल के अलावा भारत में दिल्ली, NCR, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इसके झटके महसूस हुए। हालांकि दोस्तों, गनीमत रही कि जानमाल का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का इनॉग्रेशन किया। PM बोले कि महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की क्षमता है। फूड प्रोसेसिंग में अगले 9 सालों में 50,000 करोड़ का विदेशी निवेश भी किया जाएगा और इसके निर्यात में 150% तक की बढ़ोतरी होगी। ये कहना है PM मोदी का। दिल्ली में अब आपको दुनिया के 80 देशों के खाने का स्वाद एक साथ एक ही जगहों पर देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड फूड फेस्टिवल की शुरुआत भी हुई है और इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के 1 लाख स्वयं सहायता समूह है SHG को सीड मनी भी हस्तांतरित की, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। चलिए अगली बड़ी खबर है। इजराइल हमास जंग के बीच PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बातचीत की। मध्य एशिया के हालातों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी PM ने बातचीत की। इजराइल जंग पर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि अलग फिलिस्तीनी देश बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जंग से समस्या का हल नहीं निकलेगा। 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ वो वाकई में आतंकी हरकत है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समस्या का मुद्दे का समाधान बातचीत से किया जाना चाहिए। और इजराइल हमास जंग के बीच तीसरी बार इजराइल पहुंचे ब्लिंकन, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और फिलिस्तीनियों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। इस जंग पर हिजबुल्लाह के चीफ ने भी कहा कि हमास का हमला याद रखेगा इजराइल। वो बोले कि वह अमेरिका के साथ मिलकर हमें दबा नहीं सकता। इजरायली सेना अलर्ट मोड पर है। इजराइल दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मानवता का ध्यान रखा जाए इस जंग में, क्योंकि कई मासूम और बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। और इस इजराइल हमास जंग पर अब आयरलैंड के प्रधानमंत्री, जो कि भारतवंशी हैं, उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि इजराइल बदला ले रहा है। वो बोले कि ये सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई नहीं है, ऐसा करके वो अपने देश को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, ऑफिशियल आंकड़े काफी कम है। देखा जाए तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। ऑफिशियल डेटा की भी माने तो गाजा में अब तक 3600 से ज्यादा सिर्फ बच्चों की मौत हुई है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और इजराइल के PM नेतन्याहू बोले, हिजबुल्लाह की गलती की वो कीमत चुकाएगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। बंधकों की रिहाई के बाद ही अगला सीज फायर किया जाएगा। तो यूं कुछ हालात चल रहे हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट इजराइल हमास जंग के। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कई बड़े अनाउंसमेंट किए गए। 3100 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी MSP पर। महिलाओं को हर साल 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे और मजदूरों को 10-10 हजार रुपए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। विवाहित महिलाओं को ये सालाना 12 हजार रुपए की धनराशि जो है वो दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बच्चियों के बालिग होने पर उन्हें 1.5-1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेशवासियों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा ने कुल 13 नई गारंटी दी, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर अलग अलग योजनाओं को लेकर। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि एक एक को मैं अभी बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। युवाओं के लिए भी वादे किए, 1 लाख भर्तियां निकालेंगे 2 साल के अंदर अंदर। 57,000 रिक्त शिक्षकों के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। और इसके अलावा भी देखिए, महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर से लेकर कुछ और बड़ी घोषणाएं भी की है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। हर जिले में महिलाओं के लिए पिंक थाने की स्थापना की जाएगी और किसानों से भी बड़े वादे किए। हर आदिवासी को 2-2 बकरी भी दी जाएगी। किसानों के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति भी मिलेगी। किसान मजदूरों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। 4 धाम की तरह जोड़ेंगे छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ को भी। अना तो ये कुछ चुनावी वादे के तहत घोषणाएं की है BJP ने। अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP की सरकार बनती है तो इन वादों को पूरा किया जाएगा, ये कहना गृह मंत्री अमित शाह का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वित्त मंत्रालय ने शुरू की डिमांड ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करने की योजना। इससे GST रिटर्न भरने वालों को लाभ मिलेगा। ये योजना 31 जनवरी 2024 तक खुली रहेगी और भी इस योजना के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है। भारत श्रीलंका को देगा $1.5 करोड़ का अनुदान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में हुआ ये समझौता। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को राजस्थान के उदयपुर का दौरा करेंगे। 8वीं विधानसभा की ज्वाइंट सभा होगी PM की। सभा स्थल चित्रकूट नगर खेलगांव हो सकता है। 9 नवंबर को उनका ये दौरा होगा। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू करना मुश्किल है। पहले लोकसभा और विधानसभा में सीटें रिजर्व होंगी। जनगणना के अलावा और भी कई काम बाकी है। हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण कानून पारित किया गया संसद से, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है। चलिए बड़ी खबर है। ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि राजा मानसिंह ने बनवाया। हिंदू सेना ने यह दावा किया तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे से यानी कि ASI से कहा कि पता करो इसकी सच्चाई क्या है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। लाखों युवाओं के चेहते बिग बॉस विनर एल्विस यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप लगा है। इन पर आरोप है कि ये विदेशी लड़कियां बुलवाकर रेव पार्टी कराते थे। UP पुलिस ने
इस संबंध में कुछ लोगों से 20 ml जहर के साथ 5-7 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि ये विवाद और आरोप सामने आने के बाद एलविस यादव ने वीडियो जारी करके सफाई भी दी। वो बोले कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अगर इनमें 1% भी सच्चाई मिली तो वो यूपी पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार है। अब असल सच्चाई क्या है ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, महादेव सट्टेबाजी मोबाइल ऐप के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। एक एजेंट को गिरफ्तार किया और उस एजेंट ने ये भी दावा किया है कि इस ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए भी दिए। ये देख सकते हैं लगाए गए आरोपों की जानकारी भी आप, और ये आरोप का दावा भी ईडी ने खुद लगाया है एक एजेंट के कहने पर। अब क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महादेव ऐप घोटाले के मामले में फंसेंगे या नहीं? इस आरोप के बाद उन्होंने भी सफाई जारी करते हुए कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कांग्रेस ने पीएम मोदी को भी घेरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एलन मस्क बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सब करेगा फ्यूचर में, जॉब की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने एआई की तुलना जादुई जिन्न से की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एलन मस्क का इंटरव्यू लिया और इस दौरान उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें कही। उन्होंने दावा किया कि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी बहुत आगे निकल जाएगा जल्द ही। इतिहास की सबसे डिसरप्टिव फोर्स है एआई और ये सेफ्टी के लिए भी एक चिंता का विषय है। और जहां तक सवाल है नौकरियां जाने का, तो भी एलन मस्क बोले कि नौकरियां जाना बुरी बात नहीं है। उन्होंने इस पर भी एक शानदार तर्क दिया। वो बोले कि कुछ नौकरियां असुविधाजनक, खतरनाक और थकाऊ होती है, लेकिन उन नौकरियों को करने में कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही अच्छा उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि खाना बनाने में मजा है लेकिन बर्तन धोने में नहीं है। इस बीच एप्पल कंपनी ने भी ऐलान कर दिया चैट जीपीटी की तरह 2024 में एप्पल का भी आपको जेनरेटिव एआई सिस्टम देखने को मिलेगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि भारत एक्साइटिंग मार्केट है, यहाँ ज्यादा लोग मध्यम वर्ग में जा रहे हैं। ये बात इसलिए भी कही उन्होंने क्योंकि इस तिमाही में एप्पल ने रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू कलेक्ट किया भारत से, क्योंकि अभी हाल ही में जो आईफोन 15 लॉन्च हुआ उससे भारी मुनाफा हुआ भारत के मार्केट से एप्पल को, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, डब्ल्यूएचओ ने कहा कि रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्तों की 70% आबादी का टीकाकरण करना जरूरी है। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के देशों से ये सिफारिश की है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में बनेंगे बड़े हवाई जहाज, नोएडा में होगी निर्माण यूनिट, जमीन भी आवंटित हो चुकी है और कई विदेशी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रही है। खबर है त्योहारी सीजन में जहां डीए और बोनस बढ़ने से बाजार में रौनक है, देश में 3.5 लाख करोड़ तो दिल्ली में होगा 35,000 करोड़ रुपए का कारोबार। अभी दिवाली और धनतेरस के मौके पर ये केट ने अनुमान लगाया है। और खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन के साथ ही भारत के 5 लाख मंदिरों में एक साथ पूजा होगी। हर जाति के लोगों को शामिल कर विश्व हिंदू परिषद तोड़ेगी जातिगत बाधा भी। और टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर है, इंस्टाग्राम रील्स में अब आपको स्टोरीज वाला फीचर मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। दरअसल अभी आपको पता होगा इंस्टाग्राम रील्स में किसी गाने के लिरिक्स को मैन्युअली अपलोड करना पड़ता है ना, लेकिन अब आप गाने के साथ उसका लिरिक्स ऑटोमेटिक प्ले कर पाएंगे। एआई सिस्टम से आप जो भी गाना लगाएंगे उसका लिरिक्स ऑटोमेटिकली आपके रील्स पर आप चाहे तो लगा पाएंगे। यूजर्स के लिए जल्द ही एक खास फीचर पेश करेगा मेटा। चलिए बड़ी खबर है, मार्च 2024 तक 400 नई फ्लाइट शुरू करेगी एयर इंडिया कंपनी। इन 4 इंटरनेशनल रूट्स पर शुरू होगी ये सेवा जिसमें दिल्ली मुंबई समेत कई बड़े शहर शामिल होंगे। और खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई और कहा कि ISI स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू किया जाए। बड़ी खबर है, प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ये बढ़ते पॉल्यूशन के लिए आप जिम्मेदार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लताड़ा। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने से स्कूल बंद है, खेल प्रतियोगिताओं पर रोक लगी हुई है, निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर भी पाबंदी लगी हुई है। मैंने आपको बताया था ना कल कई सारे नए रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए हैं। एक नियम ये भी लागू कर दिया है, NCR में 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। और दिल्ली में इन 5 लाख कारों पर भी बैन लग गया, अगर ये कारें चलाते हुए आप सड़कों पर पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार अब आप दिल्ली में नहीं चला सकते हैं। इन गाड़ियों पर प्रतिबंध लग गया, 20,000 का चालान काटा जाएगा अगर आप ये वाली कार चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो। देखिए एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि अभी दिल्ली में इस साल 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ा हुआ है। NCR के कुछ आसपास के एरिया भी काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। हरियाणा में भी देखिए प्रदूषण डेंजर लेवल पर चल रहा, गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी है। स्कूल बंद करने पर एक्सपर्ट की राय भी लेगी सरकार, दिवाली तक प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। बढ़ रहे प्रदूषण पर UN ने भी चिंता जताई और कहा कि इससे आम आदमी मार झेल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के इस सरकारी विभाग में जींस और टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लग चुकी है। दरअसल परिवार कल्याण महानिदेशालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। अब इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी सरकारी कर्मचारी इस तरह की ड्रेस पहनकर नहीं आ सकता है, फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही आना पड़ेगा। और एक अच्छी खबर देखिए, प्रदेश में युवाओं के लिए योगी सरकार की ओर से बांटे जाएंगे 25 लाख स्मार्टफोन और टेबलेट। और योगी सरकार ने स्मार्टफोन की खरीद के लिए यूपी डेस्को को नोडल एजेंसी भी बनाया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत ये लाखों युवाओं को मोबाइल फोन टेबलेट बांटने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी है। एक फोन की कीमत तकरीबन 9,972 रुपए है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगले महीने तक 9.5 लाख और स्मार्टफोन की आपूर्ति तय की जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक लग चुकी है। NGT के आदेश के बाद प्रशासन ने समय निर्धारित किया। अब आप किस किस टाइम तक पटाखे जला पाएंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। दिवाली के अलावा क्रिसमस और नववर्ष पर भी ये प्रतिबंध लगा।
लागू रहेंगे। चलिए खबर है 275 रुपए में 10 किलो आटा का पैकेट बेचेगी सरकार। सस्ते में आटा बेचेगी मतलब लोगों को, लेकिन इस योजना के बाद कई लोगों को लग रहा है कि क्या फिर सरकार फ्री राशन स्कीम को बंद कर देगी। तो दरअसल ऐसा नहीं है। फिलहाल फ्री राशन योजना पर इस संबंध में कोई भी अपडेट नहीं आया है। सरकार ने पहले ही कह रखा है 31 दिसंबर 2023 तक तो ये योजना चालू रहेगी। हालांकि इसके साथ ही सरकार ये नई योजना ला रही जिसमें 10 और 30 किलो का आटा का पैकेट सस्ते रेट में बेचा जाएगा। भारत आटा नाम के ब्रांड से सरकार ये आटा बेचेगी। बताया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 नवंबर से ही ये योजना शुरू होने की उम्मीद है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, कुछ और बड़े सरकारी ऐलान नई योजनाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक तो दोस्तों जुकाम लग रहा है, इसके चलते थोड़ी आवाज में आपको दिक्कत आ रही होगी, एक दो दिन में सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इससे होगा कि आप और मैं आपस में जुड़े रहेंगे। रोजाना मैं आपको काम की खबरें एक साथ एक ही वीडियो में पहुंचा दूंगा। और आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हुए सीधे ले चलता हूं आगे अपडेट में। तो मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, दिल्ली यूपी बिहार समेत कुछ राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के भी कुछ जगहों पर आज और कल बारिश की संभावना है। 5 नवंबर के बाद पारा गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार, तटीय कर्नाटक वगैरह कुछ इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। आज के सोने चांदी के भाव की बात करें तो सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी हुई 50 रुपए की और अभी सोने का रेट 61,900 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 600 रुपए की गिरावट आई। चांदी का रेट अभी 74,300 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में। देखिए मणिपुर राज्य में जो हिंसा हुई उसमें आंकड़ा आ रहा कि पिछले 6 महीनों में 187 लोगों की वहां पर जान चली गई। और अब मेथे लिपुन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पर भी हमले की खबर है। कुकी विधायकों का आरोप है कि पुलिस कमांडो कर रहे हैं ज्यादती। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीति के बाद बढ़ रहा निवेश, स्वास्थ्य शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अमेरिका ने भारतीयों पर बड़ा एक्शन लिया। अवैध रूप से लगभग 97,000 भारतीय जो अमेरिका में एंट्री किए थे उन्हें हिरासत में ले लिया। सबसे ज्यादा लोग इनमें से गुजरात और पंजाब के हैं। हाल ही में एक अमेरिकी बॉर्डर पर ट्रेन पर सवार अवैध प्रवासियों की ये फुटेज वायरल हुई थी, उसके बाद अमेरिका ने यह बयान दिया। चलिए खबर है दोस्तों, दिवाली पर महिंद्रा कंपनी अपनी गाड़ियों पर 3.5 लाख रुपए तक का भी डिस्काउंट दे रही है। महिंद्रा एक्सयूवी 400, 300 और मराजो वगैरह पर ये डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। अमेज़न ने भी धनतेरस और दिवाली से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और घर की सजावट के जरूरी सामान पर ऑफर निकाला हुआ है। चलिए खबर है कि ट्रांसजेंडर से महिला बनने पर घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत का हक है या नहीं। 2025 तक सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला सुनाएगा और इसके लिए नियम तय होंगे। अच्छा अगर आपके बच्चे बच्चे भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं ना तो देखिए अब टीनेजर तक के बच्चों की सेफ्टी पहले से ज्यादा सिक्योर होगी यूट्यूब पर। यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो के रिकमेंडेशन सिस्टम को बच्चों के लिए और ज्यादा हेल्थी सेफ करने जा रहा है ना। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो आईआईटी बनारस के कैंपस में छात्रा के साथ ये घटना हुई थी तो इस पर 2500 छात्र छात्राओं ने 11 घंटे तक प्रदर्शन किया। अब पीएमओ ने भी इसकी रिपोर्ट मांगी है और एक फैसला लिया गया, आईआईटी बीएचयू के बीच एक बड़ी दीवार भी बनाई जाएगी। और खेल समाचार पर खबर है, अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत हुई। नीदरलैंड को 7 विकेट से हराया, सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है। रहमत सहीदी की 50 भी लगी और हो सकता है दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ भारत का सेमीफाइनल का मुकाबला हो क्योंकि नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम इंडिया तो बन चुकी है। पाकिस्तान को अब जीत के लिए 2 मैच और चाहिए तो फिर सेमीफाइनल में आपको भारत पाकिस्तान का तगड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप भी शुरू हो चुकी है। नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान समेत 24 टीमें पहुंची। नादौन में ब्यास की लहरों में ये रोमांचक तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में जीका वायरस को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मच्छरों में इसकी पुष्टि हुई, 33 लोगों के सैंपल पुणे भेजे गए जिनमें 29 तो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। प्लीज मच्छरों का बचाव करें और जीका वायरस से बचने के लिए ये 3 बातें जरूर याद रखें। और भी जीका वायरस की कुछ हिस्टोरिकल डिटेल आप देख सकते हैं। ये वायरस भारत में सबसे पहले साल 2017 में मिला था। दुनिया में वायरस कैसे फैला ये भी आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, एम्स में कर्मचारियों के तबादलों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तकनीकी इस्तीफे का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे कर्मचारियों को अपना पद छोड़े बिना स्थानांतरण की अनुमति मिल सकेगी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले, सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख वाली अदालत नहीं बनेगी। रोज 154 केस टाले जाते हैं, वकील एडजमेंट की मांग न करें। और खबर देखिए दोस्तों, अब गांव में भी गुजेगा डायल 112 का सायरन। बिहार सरकार 1300 से भी ज्यादा पुलिस वाहन खरीदेगी, यानी बिहार के सभी जिलों और शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको इमरजेंसी गाड़ी डायल 112 की सुविधा मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश कैबिनेट ने बिहार वाइड एरिया नेटवर्क से पुलिस थानों, पंचायत भवनों को जोड़ने का भी निर्णय लिया है। और वही खबर है, पंजाब में नवंबर में ही शुरू होगी तीर्थ यात्रा योजना। सरकारी बसों में बैठकर धार्मिक स्थलों के दर्शन किए जा सकेंगे। खबर देखिए, योगी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। ये तोहफा मिला है रोडवेज डिपार्टमेंट के संविदा कर्मचारियों को। अब वे अपने परिवार के साथ 5 बार साल में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे, यानी संविदा कर्मचारियों को भी पास जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। और वहीं योगी सरकार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की भी जांच करवाएगी। दीपावली के बाद तब्ती शुरू होगी क्योंकि इस छात्रवृत्ति योजना में कई सारे फर्जीवाड़े और घोटाले के मामले सामने आए हैं। यूपी में ग्राम प्रधानों के लिए भी योगी सरकार द्वारा ओरिएंटेशन
पेंशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और इसके तहत ग्राम प्रधानों को सरकारी कामकाज के तौर तरीके सिखाएगी योगी सरकार। और यूपी में 1.25 करोड़ लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, दिवाली बाद इन लोगों को जमीन का पट्टा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया, दिसंबर तक प्रदेश के 1.25 करोड़ परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा स्वामित्व योजना के तहत। गरीबों का जहां मकान है जमीन आरक्षित श्रेणी की नहीं है तो उसे वहीं कब्जा मिलेगा। और बड़ी खबर देखिए, यूपी के 4 जिलों में लागू हुआ सख्त नियम, निजी वाहन से स्कूल नहीं जा सकेंगे छात्र, कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। बदायूं में हाल ही में एक हादसा हुआ था, उसके बाद यूपी में ये सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब बाइक या स्कूटी से स्कूल नहीं जा सकेंगे, स्कूल बस से ही जाना अनिवार्य होगा। मंडल के चारों जनपद बरेली, बदायूं, पीलीभीत व शाहजहांपुर में ये नियम सख्ती से लागू किया जा चुका है। चलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, हुंडई कंपनी ने बड़ा फैसला लिया, अब आपको इसकी सभी कारों में 6 एयरबैग मिलेंगे। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बीपीएससी टीचर वैकेंसी में बड़ी खुशखबरी आई, कम नंबरों से असफल होने वालों को भी मिलेगी नौकरी। दरअसल बिहार सरकार ने फैसला लिया, जिन विद्यार्थियों के कम नंबर है उनको एक बार और मौका दिया जाएगा और उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड फेज के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, 69,692 पदों पर ये वैकेंसी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी 14 नवंबर तय की गई है। और वहीं हिमाचल प्रदेश बोर्ड 28 नवंबर से शीतकालीन स्कूलों में कुछ कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू करेगा। 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 28 नवंबर से शुरू हो जाएगी। जब तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां ना, तब तक इन परीक्षाओं को पूरा किया जाएगा। सीटेट एग्जाम पर भी खबर है, 21 जनवरी को 135 शहरों में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, 23 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर है, केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर विषम समय में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल पर विषम समय में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी पवित्र पुस्तक में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पटाखे फोड़ना जरूरी है, इसलिए जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो गया इन चीजों में अब पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, है ना। बड़ी खबर देखिए, देश में बनेंगे 5 मेट्रो ब्लड बैंक, पहला चेन्नई में खुलेगा। संक्रमित खून की आपूर्ति पर रोक लगेगी और लोगों को आसानी से ब्लड मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, जिससे आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में लोगों को मदद मिल सकेगी। और बड़ी खबर है दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में भी प्रदूषण को लेकर धारा 144 लग चुकी है। निर्माण तोड़फोड़ पर रोक लगी, पानी के छिड़काव के आदेश, ग्रेप का तीसरा चरण गुरुग्राम में भी लागू हुआ दिल्ली की तरह। खबर देखिए, हिमाचल में ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी, 6 ग्रीन कॉरिडोर पर 135 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिससे बाहरी राज्यों से भी अब प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ पाएंगे क्योंकि वो रास्ते में अपनी गाड़ियों को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की पुष्कर सिंह धामी ने, और इस दरमियान उन्होंने लखनऊ से देहरादून तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग की, कई और नई ट्रेनों की भी डिमांड रखी, रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का अनुरोध किया। बॉलीवुड से खबर है, ऋतिक और दीपिका की फाइटर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, ये भारत की पहली हवाई एक्शन फिल्म होगी जो अगले साल 25 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। और वहीं सलमान खान की जो आने वाली टाइगर 3 फिल्म है उसको UA सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये फिल्म 12 नवंबर को रिलीज होगी सिनेमाघरों में, इसका प्रोमो भी आउट हुआ। सलमान खान और इमरान हाशमी में टक्कर देखने को मिलेगी आपको इस फिल्म में, और कैटरीना कैफ का रोमांस और एक्शन मूड भी। खबर देखिए, भारत की शक्ति से नरम हुई कनाडा सरकार, भारतीय युवाओं और इमिग्रेंट्स के लिए कनाडा ने नई योजना शुरू की है, इसके तहत हर साल 5 लाख भारतीयों को वीजा देने की तैयारी की जा रही है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और दुख भरी खबर आ रही है, ईरान के एक नशा मुक्ति केंद्र में भयानक आग लग गई जिसमें 32 लोगों की जान चली गई, जिंदा जल गए। ये देख सकते हैं आप रिहैबिलिटेशन सेंटर की कुछ तस्वीरें भी। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में स्पॉन्सरशिप योजना भी शुरू हुई है, जिसके तहत अब जरूरतमंद बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदन की पात्रता क्या है, बच्चों के लिए आयु सीमा वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024 का कैलेंडर भी जारी कर दिया, कर्मचारियों की 5 छुट्टियां भी कम हुई, ये पूरा कैलेंडर की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, आज शनि और 5 तारीख को कल रवि पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा, इस दौरान 2 दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ है, मैंने आपको बताया था कल भी। पहला मुहूर्त आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा, वाहन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप, ज्वेलरी और बर्तन वगैरह भी खरीद सकते हैं। इनके लिए शुभ मुहूर्त कब कब रहेंगे ये भी देख सकते हैं, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं या घरेलू इस्तेमाल के खरीद करते हैं तो भी शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा। और चलिए आज के राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष, कर्क और धनु राशि वाले नौकरी पैसा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों की इनकम बेहतर होने के योग है, हालांकि मिथुन राशि वालों के लिए एक सलाह है, पुरानी बातें छोड़कर आप नए काम पर ध्यान दें। मकर राशि के लोग बदलाव के लिए सकारात्मक रहें, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्रिकेट से जुड़ा एक स्पोर्ट्स जीके का क्वेश्चन है, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहां स्थित है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन ए मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई, ABCD, विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।